नगर निगम के न्यू बिल्डिंग के सदन हॉल में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि थर्ड जेंडर को समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक की गई है, जिसमें नगर निगम के काम में हेल्प लिया जाएगा। इसमें करीब 10 थर्ड जेंडर को शामिल किया जा रहा है। टैक्स वसूली से लगायत ऑफिस वर्क तक की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। अब थर्ड जेंडर भी टैक्स वसूली के लिए घर घर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 थर्ड जेंडर की इंटरव्यू कराकर उन्हें ज्वाइन कराया गया, जो 1 तारीख से काम करना प्रारंभ करेंगे। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए ज्वाइन कराया गया है। नगर निगम टीम में भी 10 ट्रांसजेंडर की भर्तियां करने की तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर बधाई के काम के अलावा सरकारी जॉब में आना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो नगर निगम द्वारा इनके जो भी पद और इनके लायक जो काम है दिया जाए, और अगर उस कार्य को अच्छी तरीके से निस्तारण कर रहे हैं तो आगे और भी कार्य देने पर विचार किया जाएगा। वहीं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सम्मान मिल चुका है वह तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि किन्नरों के समाधान के लिए एक ऑफिस चाहिए जो वहां बैठकर अपने थर्ड जेंडर का समाधान कर सके। बैठक में ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंसलर शांति भवानी, नंदिनी बाबा, सिमरन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह एवं उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड के सदस्य एवं महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा, चीफ साहब आप भी आइए, सर सर आइए, आप आ रहे हैं, मुख्य अभियंता महोदय हैं, चीफ मिनिस्टर साहब वाह आ जाओ, हमारे यहाँ नहीं चाह आपसे जब जो इलेक्ट्रिक यहाँ से आपकी टीम से कुछ लोगों को उसमें सेलेक्ट किया गया पीछे और उनको रन दिया गया, जिससे कि वो और अच्छी तरीके से सोसाइटी से जुड़ सकें और उनको समाज की जो मेन स्ट्रीम में करते हुए अपने यहाँ जॉब पे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें संविदा पे होती हैं या फिर एडॉप तरीके पे, तो अच्छे काम होते हैं और मतलब इस तरह से काम करेंगे ये लोग तो मेरे ख्याल से इनको भी अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा हम और आप अगर मिल के सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें तो एक सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज जाएगा, फिर बाकी लोग भी अदर स्टेट्स जो हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी देखेंगे इसको। और इसीलिए हमने कहा कि आपसे बात करूँ और आपसे हेल्प भी मांगूँ, और जैसे हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन भी होता है कि हमको टीम लगा दिया जाए, उसमें हमारे लोगों के साथ वो टीम कोऑपरेट करे। फिर जैसे अगर किसी को हैवी व्हीकल की ड्राइविंग आती हो तो उसमें भी हम उनको दे सकते हैं कि भारी वाहन जो चलाना चाहे, या कोई ऑफिशियल वर्क मतलब टेबल वर्क करना चाहता हो जैसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो हम उनको भी ले लें। जी जी, मतलब जिस फील्ड में जिसको जो जितना एक एक्सपर्ट है, नॉलेज है, उसको हम लोग उनको मौका दें। तो उसी के तौर पर जब हम गए थे बोर्ड की मीटिंग में लखनऊ, पानी पी एम मिश्रा से जब बात हुई थी तो वो भी आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का रिलेशन में आते हैं सर, कि दीदी आपके साथ हो, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत सा ऐसा युवा भी हमारे में है कि वो बधाई पे आना नहीं चाहते, वो घर पे उनको, क्योंकि हमें एक समय हमारा कटाक्ष नज़र तिरस्कार नज़र से हम उभराए गए थे, तो हमारा तो लाइफ तो ख़त्म है, हम जो बधाई वाला नियम तो हमारा अपना है, लेकिन जो नया पीढ़ी है जैसे इन जैसे और भी बच्चे सब हैं, न्यू जनरेशन जैसा है, तो उनके लिए तो हमको करना है। तो इस बात पर वेलफेयर बोर्ड के तो मेम्बर बन ही चुकी हूँ मैं, और इसी कारण हम लोगों को जो आया आयोग मतलब वहाँ भी सी डी ओ साहब से भी मीटिंग थी, तो क्या कहते हैं वो गर्मा गिरे वाली बात, हमारे हम अपने एक ऑफिस अलग रह जाएगी तो उसमें हमारे किन्नर हमारे पास आएंगे, तो मैं एक बेस्ट आते आपको मैंने दरख्वास्त मैंने आपको दे सकती हूँ, आपको लेटर पहुँचा सकती हूँ, तो लेकिन उस बात में हुई गया तो इसी के बारे में कहना कि हम लोगों को बैठने का ऑफिस
मंत्री से बात हुई है कि कहा कि कराया जाएगा हर जगह, हर जिले में, हर जगह एक जगह, क्योंकि हम तो लखनऊ जाएंगे मीटिंग कर लेंगे, लेकिन जहां हम रहेंगे जो किन्नरों का समस्या, वहां फिर हमको दौड़ना पड़ेगी, तो वो किन्नर भी आपके पास जाएंगे, फिर उसके बाद में डीएम के पास जाएंगे, तो ये क्या है ना, खिचड़ी टाइप हो जाएगी। देखो आप एकदम ठीक आप कर रहे हो, मैंने इसीलिए आपको बुलाया जी, कि आपके माध्यम से जितनी आपको अपनी टीम के बारे में, अपने जी बारे में मालूम होगा जी, हम आपसे कहेंगे सर हमको 10 आदमी को आप दे दो जी, हमको 10 आदमी को यहाँ रखना है जी, उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जी, अगर आपके आपके एक ही से हमको भी कॉम्पीट करना पड़ेगा जी, हमें कई लोगों से अलग अलग बात यही कहा कि इसको देने के बाद आपसे बात करो जी, मैं एक्चुअली दक्षिण भारत की हूँ, हमें से साउथ इंडियन, तो आज इतने बड़े काम हो रहे गोरखपुर में, किन्नर ने भी बहुत कुछ कहा, गंगा दंगा झमेला वगैरह वो भी शांत हो गए, सब कुशल मंगल से मान रहे, जजमान भी खुशी से दे रहे हैं, तो किन्नरों का समस्या ये ट्रैचिंग से ही, किन्नरों का समस्या अभी तो दार्जिलिंग की, इधर की पश्चिम बंगाल कोई पड़ेगी, तो ये करे गुरु और हम जॉब कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे हैं, मतलब क्यों नहीं, अगर करना है तो बोला हम आपको सम्मान कर रहे हैं, बधाई में भी रहेंगे, हम जॉब मिल जाएगी, तो हमने ठीक अच्छी बात है, तो जिस तरीके जिस पोस्ट में आप हो, जिसका आप एजुकेशन हो, उस हिसाब से आपको जॉब का हम बात करेंगे। आप लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, लगन मगन से काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग माध्यम से ही होगा, वेरिफिकेशन करने में हमको और ज़्यादा मदद, तो वो है, लेकिन देखिए अभी तो ये तो अच्छी बात है ना, देखिए अभी आप करेंगे दो बार आपको वापस करेंगे, अगर हम चाहते हैं इधर माशाल्लाह, मैं कल्याण बोर्ड की सदस्य किरण बाबा आज नगर आयुक्त साहब से आज मुलाकात हुई, छोटी सी बैठक थी हमारी, कि नगर निगम में जो थर्ड जेंडर की नौकरी के लिए जो बात हुई, 3 जने जो इंटरव्यू दिए हैं, कितनी तारीख से लगना है, ये बात हुई है, और हमारा जो भी समस्या है वो भी रखाया गया, क्योंकि उस दिन शेड्यूल साहब से भी मीटिंग थी और आज इनसे भी ज़रूरी था नगर निगम से भी बात करना, तो यहाँ भी मिल चुके हैं हम, यहाँ से हम अपने शिष्य को ले कर आए, बैठ के बैठक हुई हमारी, और आने 2-4 दिन के बाद फिर बैठक होगी, और मैं अपने अप्लाई की हूँ कि हमें भी एक ऑफिस चाहिए बैठने के लिए, ताकि जो हमारा किन्नर थर्ड जेंडरों का जो समस्या, हमारे किन्नरों का समस्या वो कहीं ना जाए, क्योंकि हमें जब समाज में एक सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें जब सम्मान मिल चुकी है, तो हम भी उस हकदार हैं, तो आज उसी बात करने के, हमें यहाँ भी हमें एक ऑफिस चाहिए, ताकि हम बैठ के अपना समाधान कर सकते हैं, अपनी थर्ड जेंडरों का, जो कि हमारे गद्दीदार किन्नर हैं, दैयार वाले, उनका समाधान, उनकी भी बहुत से समाधाने हैं, बुजुर्ग हैं हमारे बधाई वाले, उनकी भी समस्या, उनकी भी सॉल्व करने के लिए आज यहाँ पर मैं ऑफिस के लिए बात हुई है, आयुक्त जी से मिले हैं, और जितने हमारे मीडिया वाले भाई, सबको जय श्री महाकाल, आप लोग को तंदुरुस्ती दे, आप लोग तो खुद देश के हैं, इतनी बड़ी कोरोना काल हुई है, हम ना जा पाए, ना कोई जा पाए, लेकिन आप लोग जाके उसमें जाकर पूरा घर घर पे इतला किए, मैं आप लोग को भी बहुत दुआ करती हूँ कि आप लोग की बहुत हेल्प रहती है, माता रानी करे जैसे हमारे समाज में सब बने रहे हैं, बहुत मुझे सपोर्ट मिली है, अब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात भी की है, जो समाज में इस समय चल रही है, अलग नज़र से थे लेकिन अब सब अच्छे नज़र से हैं, अच्छी एक पहचान हमें मिल चुकी है, और एक बहुत रिस्पेक्ट मिल चुकी है, आज हमें नगर आयोग में आए हैं, नगर निगम में, बहुत सुंदर लगा, अब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं बहुत प्रसन्नता हुई हूँ कि हमारा उसने बात को लिया, उसके उद्देश्य पे उसने निर्णय लिया कि इसकी जरूरत बा काम होगी, आपके आपकी जो समस्या सब जल्द से जल्द पूरी होगी जी। हाँ, जो जितने पद पर, जो जितने अपने शिक्षा ग्रहण किए हैं, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर होता है, जो प्राइवेट जॉब है, जो इंटर है, जो हाई है, बीए, एमए, जो जैसा है उसको वैसा पद को इसे नौकरी मिलेगी, और प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है अगर प्राइवेट उस लायक के जो हो, और जो अच्छा खासा है वो सरकारी अप्लाई करें, और पहले थर्ड जेंडर को ही मिलेगी, ये भी रखा गया,
और इतने साल से योगी सरकार ने हम लोगों को देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभारी हूँ मैं कि हम लोगों के बारे में इतना सोचा कि बहुत वो भी, क्योंकि संन्यास वो हैं और हम भी संन्यास है कि निर्भिक संन्यासी कहलाते हैं, क्योंकि साधुओं के मठ में जो नियम होती है हमारे मठ में भी वही नियम होती है। ये भी एक साधुओं के मठ है हमारा, जो किन्नर समाज के जो दैयारे हैं उसमें साधु का ही परंपरा चलती है, गुरु को गुरु चेला को चेला देखा जाता है, वही परंपरा हम चलते हैं, वैसे हमारी पीढ़ी भी चलती है। जो नया जनरेशन नया युवा है जो घर पर रहता, हमारे घर से तो तिरस्कार करा गया, समाज हम एक्सेप्ट नहीं किए, आज समाज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सब अपने अपने घर पर साड़ी चूड़ी पहन के रह रहे हैं, घर से अपना सज गुज के निकल रहे हैं, तो उनके लिए तो सही है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पढ़े हैं लिखे हैं तो हम जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए जॉब के लिए भी हमने अप्लाई किया, मुझे पद मिली है माननीय योगी महाराज जी की तरफ से, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबके लिए देखूँगी, सबके लिए विकास करूँगी। जी हाँ, सही सत्य है, जैसे किन्नर एक किन्नर का जानता है, किन्नर कुछ भी होता है, कितने भी झमेले होते हैं, आप भी रहते, प्रशासन रहती है, पूरा समाज रहता है, लेकिन किन्नर का समझ से किन्नर ही हल करते हैं, तो उस तरह के संन्यास का संन्यास जानते हैं। और रह गए सवाल, हम लोग संन्यासी कहलाएंगे ना जब हमारा मठ है और हम किन्नर हैं, नर ना नारी, अधनारेश्वर का रूप भी कहा जाता हमें, तीन नाम तो दिया गया, थर्ड जेंडर भी देख लेकिन कुदरत का उपदेवता भी कहा गया हमें, मंगलामुखी भी कहा गया, और जय महाकाल भी हूँ मैं, हर हर महादेव हर हर गंगे। देखिए आज महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी किरण बाबा, जो कि उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की माननीय सदस्य हैं, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर हमारे कार्यालय कक्ष में आई हुई हैं, और उनके साथ काफ़ी देर तक जो हमारे थर्ड जेंडर के साथी हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर, और समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल करते हुए कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से, उस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जो हमारी इलेक्ट्रिक बस का चार्जिंग स्टेशन है महेसरा में, वहाँ पे हमारे पास 5 पद निकले हुए थे, उस जिसके के लिए इंटरव्यू हुआ, उसमें 3 लोग जो हैं हमारे वो थर्ड जेंडर सेलेक्ट हुए हैं, जो कि 1 तारीख से वहाँ पर काम करना प्रारंभ कर देंगे। उसको उन लोगों के जब वो लोग इंटरव्यू देने आए और वहाँ से जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया या हमारे वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद नगर निगम प्रशासन भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए हम इनको भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से इन, क्योंकि इनमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से थर्ड जेंडर के लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और जो कि बधाई के काम के अलावा, बधाई के काम को छोड़कर वो सरकारी जॉब में आना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो आज इस मुद्दे पे काफ़ी देर तक बात हुई, नगर निगम भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें कि इनकी हेल्प से उस काम को करना चाहता है, चाहे वो हैवी व्हीकल्स की ड्राइविंग हो या जो हैवी व्हीकल्स का स्पीड कंट्रोल करना हो, या कुछ लोग इनमें से कंप्यूटर के बहुत अच्छे जानकार हैं उसमें, या जैसे हमारे पास टैक्स वसूली का जो काम है, तो इस प्रकार के जैसे अन्य बड़े बड़े शहरों ने, जैसे अहमदाबाद या अन्य शहरों ने इसके पहले भी अपने कॉरपोरेशन ने अपने कामों में थर्ड जेंडर का बहुत ही पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, उसी पे दिशा में सोचते हुए नगर निगम भी प्रयास कर रहा है कि अपने गोरखपुर के जो थर्ड जेंडर हैं महामंडलेश्वर मैडम के सहयोग से हम लोग इनको एक आम स्ट्रीम में, एक मुख्य धारा में लाने के लिए अपने यहाँ जो भी हमारे ऐसे पद हैं या ऐसे जो कार्य हैं वो इन कार्य इनको दिए जाएं, और अगर हम ये पाते हैं कि उस कार्यों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसका निस्तारण कर रहे हैं तो आगे और भी इनको कार्य देने पे विचार किया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ आपने बातें भी इनके बारे में रखी, जैसे सबसे बड़ी समस्या आईडी की है, एक गरिमा गृह की है जिसमें कि आपकी सीडो साहब से बात हुई है, और गरिमा गृह के अलावा जो इनको एक किराए के जो किराया लोग ज़्यादा लेते हैं, कुछ इनकी समस्याएं ऐसी थी कि जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना नगरी या ग्रामीण के तहत इनको भी आवास मिले,
इनको भी डूडा के तहत जो है स्मॉल और बड़ा बिजनेस करने के लिए इनको लोन मिले, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है और निश्चित रूप से आगे भी हम लोग बैठ के करते रहेंगे। आपने एक प्रस्ताव और भी दिया है कि समय समय पर जो है इन जो हमारे थर्ड जेंडर के लोग हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस किया जाए जिससे कि जो आज के समय में इस सोसाइटी में क्या चल रहा है उससे उनको भी रूबरू कराया जाए। तो ये बड़ा एक ये भी अच्छा सुझाव है, हम लोग इस पर भी अमल करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हमारे जो आप लोग का एक डेलीगेशन जो आएगा हमारे पास मिलेगा, पहले से ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिख के ले आएंगे और हम लोग सम्मिलित रूप से उस पर बैठेंगे और वर्कआउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि थर्ड जेंडर्स की जो समस्याएं हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है उन समस्याओं को सुनने के बाद हम लोग मिल बैठ कर उन समस्याओं को दूर करें और अपने इन किन्नर साथियों को आम जो मेन स्ट्रीम में है समाज की उसमें शामिल करें।